नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेवल जॉकी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यू है, जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये हो गया आपका ड्यूटी फ्री और ये हो गया आपका फूड कोर्ट। खा पी लिया, मजा कर लिया। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट में क्या करना है? 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है बोर्डिंग गेट में। समझो 7 बजे की फ्लाइट थी तो 6:30 बजे तक आपको ये सब घूम फिर के पूरा सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, चेक इन काउंटर, फूड कोर्ट, ड्यूटी फ्री, ये सब होते होते आपको 6:30 बजे तक, मतलब आधा घंटा पहले आपको बोर्डिंग गेट के पास पहुंचना है। उसका भी रीजन होता है क्योंकि बोर्डिंग कभी कभी पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फ्लाइट आती है उसको डिसएम्बार्क करते हैं और वहां से नए पैसेंजर्स को लेने के लिए वो लोग को भी टाइम लगता है साफ सफाई करना है। लेकिन हर एयरलाइन का एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल को फॉलो करते हैं। आप नहीं पहुंचेंगे तो वो निकल जाएंगे आपके बगैर भी, भले आपके हाथ में बोर्डिंग पास होने दो। उनको नहीं पता, दे डोंट केयर, उनको ये सब नहीं, लेट लतीफ लोग को छोड़ देते हैं वो लोग। तो इसके लिए बोर्डिंग गेट के पास 30 मिनट पहले पहुंचना है। मैं तो पहले पहुंच जाता हूँ। क्यों? पहले मैं जाता हूँ वॉशरूम यूज कर लेता हूँ फ्लाइट के अंदर बैठने से पहले। वो आपको अच्छा आराम से वॉशरूम यूज किया। बोर्डिंग गेट के पास आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ चार्ज, बहुत सारे लगे हुए हैं। चार्ज लगाओ, अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाओ, अपना लैपटॉप चार्जिंग में लगाओ, आराम से बैठो, फ्लाइट का आने का इंतजार करो वहां पर। और रिलैक्स चेयर्स होती हैं, ऐसा आराम से लेट के बैठ सकते हो उसमें। रिलैक्स चेयर्स, ऐसा पूरा लेटने वाली चेयर्स होती है वहाँ पर। कुछ एरियाज में है, हर जगह पे नहीं है। समझो आप 1 घंटा पहले पहुंच गए, नींद आ रही है, अलार्म लगाओ और सो जाओ। आधे घंटे का अलार्म लगाओ, ज्यादा नहीं सोना है क्योंकि आधे घंटे पहले आपको बोर्डिंग गेट पे पहुंचना है। तो ये हो गया बोर्डिंग गेट। जैसे ही आपका फ्लाइट शेड्यूल होएगा तो वहां पर स्क्रीन्स लगी होती है। उस स्क्रीन में आपकी फ्लाइट का नंबर आप हमेशा चेक करते रहिए। फॉर एग्जांपल मेरा समझो गो एयर है, तो गो एयर फ्लाइट नंबर दिस डिपार्ट ऑन दिस टाइम दिस डेट शेड्यूल फॉर डिपार्चर। जैसे ही आया शेड्यूल फॉर डिपार्चर, मतलब तैयार, अभी उठ जाने का बस। और वहां पे भी एक क्यू लगती है उसमें। अभी आजकल क्या करते हैं, अच्छा चीज क्या करते हैं, जैसे एक एयरलाइन में रोज होती है 1 to 20, तो पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15 को बुलाते हैं। क्यों? पीछे वाले लोग को पहले भर देते हैं अंदर, तो वो अनाउंस करेंगे कि सीट्स नंबर 15 to 20 A, B, C, D, E, F, G वो अलग है। 15 A भी हो सकता है आपका, 15 B भी हो सकता है। 15 to 20 वालों को प्लीज कम फॉर बोर्डिंग। तो आपको अपना सीट नंबर देखना है बोर्डिंग पास के ऊपर, आपका सीट नंबर, आपका गेट नंबर। हाँ, गेट नंबर भी मैंने आपको बताया था, ड्यूटी फ्री में आप गए थे तो वहां पर गेट नंबर आपको ढूंढना है अपना, कि मेरा गेट कौन सा है। और गेट बहुत क्लियरली विजिबल है मुंबई एयरपोर्ट में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात हो गई। तो सीट 15 से 20 को पहले बुलाएंगे, फिर हो सकता है 10 से 15 को फिर बुलाएंगे, फिर 5 से 10 को बुलाएंगे, और फिर 1 से 5 वालों को बुलाएंगे। और सबसे पहले वो लोग प्रायोरिटी देते हैं बिजनेस क्लास वालों को। भाई पैसा भी तो दिया उन्होंने, नोट दिया भाई, तो बिजनेस क्लास वालों को तो बुलाएंगे पहले, ठीक है, उनके अलग राज है। कुछ एयरपोर्ट्स पर ना एयरलाइंस के लाउंज भी होते हैं, वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा कि उनको कैसे यूज करते हो, कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास ट्रैवलिंग आपने बहुत किया हुआ है, तो वो भी तरीका है, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। एयरपोर्ट लाउंजेस ऑफ एयरलाइंस याद रखिएगा, कमेंट में डालिएगा अगर आपको उसके बारे में वीडियो देखना है तो। तो ये हो गया, आप बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो वो मैडम आपका फिर से बोर्डिंग पास चेक करेंगी और पासपोर्ट चेक करेंगी। ये दो चीज वो चेक करेंगी आपका। पासपोर्ट में आपका नाम देखा जाएगा, आपकी फोटो देखी जाएगी, मैच है, ओके। एंड वो स्कैन करेगी आपका बोर्डिंग पास और आपको बोलेंगी गो अहेड। आधा पीस फाड़ के रख लेंगी। ऐसा मत सोचना आधा पार्ट दे मेरा बोर्डिंग पास गया, वो आधा अपने पास रख लेंगे उनके रिकॉर्ड के लिए, आधा आपको दे देंगे। आजकल वो टनल्स बने हुए हैं एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए। पहले होता था कि बोर्डिंग करा
उतरो, बस में बैठो, फ्लाइट में जाने के लिए बस में अंदर बैठ के जा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा मेरे को तो बोले तो मैं हवाई जहाज में जाऊंगा, आप मुझे बस में बिठा रहे हो। ऐसा होता था बचपन में, अब नहीं होता। अभी बेस बने हुए हैं, टनल बेस, उसके अंदर से आपको सीधा एयरक्राफ्ट के अंदर लेके जाएंगे। जब आप एयरक्राफ्ट के गेट पर पहुंच गए तो वहां पर एयर होस्टेस मिलेगी, आपको ग्रीट करेगी, नमस्कार, हिंदी में बोलेगी, इंग्लिश में बोलेगी, गुड मॉर्निंग सर, तो आपको उनको अच्छे से ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, उनको पूछना है आपको कैसे हैं आप, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको अपनी सीट लोकेट करनी है, नहीं तो वो शी इज देयर टू हेल्प यू। आप उनको बोले मैम मेरी सीट इज 20B, तो बोले कि प्लीज गो स्ट्रेट, टेक अ राइट एंड देन यू विल फाइंड 20B। तो सीधा सीधा जाना है, वहां से नंबर स्टार्ट होता है, ऊपर से देखते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा 20 के आगे जाकर ABC। तो आपका A है क्योंकि आपने विंडो सीट ली थी, मैंने आपको बताया था विंडो सीट लेने के लिए। तो A में जाके आपको अपना पहले ऊपर का लैच खोलना है, वो लैच खोल के आपको अपना बैग सीधा लैच से अंदर डाल देने का और आराम से बैठ जाने का। आपका पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास और अपना कैश और अपने फॉरेक्स कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड सब अपने स्लिंग बैग में अपने साथ रखने हैं, ये ऊपर नहीं डालना है, कभी सो गए तो गया भाई, कोई भरोसा नहीं ना। तो अपनी चीज अपने हाथ पे रखनी चाहिए ना। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दिन मैं आपको इसके बारे में वीडियो बताऊंगा। पासपोर्ट फॉर एन इंडियन अब्रॉड, क्या वैल्यू है उसकी, बहुत वैल्यू सर, मैंने भुगता हुआ है, बहुत वैल्यू होती है पासपोर्ट की। तो ये सब आपको अपने बैग में रखना है। चलिए अभी वो आपको सेफ्टी टिप्स देंगे, कुछ आगे कार्ड रखा होता है वो आप पढ़ लीजिए क्या क्या सेफ्टी टिप्स है। हर एयरक्राफ्ट का अलग सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है और उसके हिसाब से वो कार्ड बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पे एग्जिट गेट्स है, इमरजेंसी एग्जिट कैसे है वो बताएंगे, सीधे जाइए राइट में ये विंग्स है, फिर आगे दो डोर्स है। तो अगर आप इमरजेंसी गेट के पास बैठे हैं, जैसे आपके लेफ्ट साइड पे इमरजेंसी गेट है, तो आपको वो चीज ध्यान से सुननी है क्योंकि इमरजेंसी में आप ही काम आने वाले हो उस चीज के लिए, समझे। तो ये हो गया आपका, पूरा ध्यान से सुनना है, वो हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, अगर बाहर की एयरलाइन है समझो एमिरेट्स है तो वो अरबी में भी बोलेंगे, अपना जो आपको समझ में आता है वो सुनना है आपने। अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या क्या है, सीट बेल्ट बांधने का तरीका क्या है, जब सीट बेल्ट लाइट इज ऑन देन यू हैव टू ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, ये हमेशा चीज ध्यान रखना। जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हो ऊपर एक साइन आता है सीट बेल्ट, तो वो आपको सीट बेल्ट बांध के रखनी है हमेशा, उतारने नहीं उसको, क्योंकि वो इट इज अगेंस्ट द लॉ, DGCA का है लॉ, उसको फॉलो करना है सबको। DGCA के बारे में कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीट बेल्ट, थोड़ी देर होगा फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, सब बताएंगे, उसके बाद कैप्टन आपसे मुखातिब होगा, मुखातिब उर्दू वर्ड है, बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है, तो वो आपको बताएगा सर मेरा नाम XYZ है और मैं आज ये उड़ान भरने वाला हूँ, मुंबई से दूरी, दुबई की दूरी हम लोग एक्स अमाउंट में 3 घंटे में, 3.5 घंटे के अंदर हो जाती है, तो कभी कभी वेदर क्लियर नहीं होता तो 3.5 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 3 घंटे भी लगते हैं, तो वो आपको बताएगा हम लोग मुंबई से दुबई की उड़ान 3 घंटे में पूरी करेंगे, आप इंजॉय योर फ्लाइट। एंड फिर केबिन क्रू के नाम बताए जाएंगे आपको, हेड कैप्टन कौन है उनका नाम बताया जाएगा, बाई चांस इमरजेंसी है तो आप बटन दबा के हेड कैप्टन को बुला सकते हैं। ये हो गया प्रोसेस, अभी आप इन फ्लाइट को एंजॉय करिए, मेरा वीडियो देखिए ये वाला जो मैंने फ्लाइट के अंदर से लिया था। हमारी उड़ान अभी भी जा रही है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये भी उर्दू का ही वर्ड है गुजारिश, कि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, मैं लैंडिंग और जो दुबई का मैंने आपको बात बताया था
वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा जो बहुत ही जल्द आएगा इसके साथ में, तो वो आपको मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो लैंडिंग के बाद दुबई इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो आप, और बैगेज कैसे लेना है, बेल्ट कहाँ पर होती है, वो सब चीज़ें दुबई एयरपोर्ट के बारे में, दुबई से बाहर कैसे निकलना है, वो सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय करिए, मजा करिए और हरकत करिए, क्यों, हरकत में ही बरकत है। तो हरकत क्या करनी है आपको, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं और डाल सकूं। मुझे प्रोत्साहित करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट्स पे जाकर कमेंट्स लिखिए, जो चीज अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चलेगा ना कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। तो आप कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा ना। तो ये भी बताइए कि मैं अगला वाला वीडियो डालूं, कब डालूं, उसके बारे में, मैं तो डालूंगा ही वो वाला वीडियो, बस इसके बाद ही डालूंगा, आज ही इसको रिकॉर्डिंग करता हूं और वो भी डालता हूं।